हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए क्रिकेट ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक इवेंट आ रहा है क्रिकेट का, तो उसके लिए अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज मैंने दोस्तों के साथ प्लान किया कि हम चलते हैं कहीं क्रिकेट प्रैक्टिस करने। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैं स्कूल में जा रहा हूँ, अपने उस स्कूल में जहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी। तो वहाँ पे दोस्तों के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, वहाँ पर है छोटा सा ग्राउंड। आप सबसे गुजारिश है कि जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं स्कूल में। तो अब चलते हैं अंदर, सनराइज स्कूल का नाम है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जी तो गाइज मैं आ गया हूं स्कूल में, और पहले हम करेंगे वार्म अप, थोड़ा वर्कआउट करेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम अपनी गेम थोड़ी स्टार्ट करेंगे, क्रिकेट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो पहले से खेल रहे हैं, तो मैं आपको क्रिकेट के बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत। एक्चुअली अब देख के हैरान हुए होंगे कि ये कौन सी क्रिकेट है। तो जनाब बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ब्लाइंड क्रिकेट है इस क्रिकेट का नाम। तो इसमें वो लोग खेलते हैं जिनकी विजन का इशू है, आई साइट का इशू है। ब्लाइंड लड़के भी होते हैं इसमें, पार्शली लड़के भी होते हैं, पार्शली साइट। अरे कहना क्या चाहते हो, क्रिकेट भी होते हैं। और इनको कंबाइन करके ये क्रिकेट जो है ये खेली जाती है। तो अभी थोड़ी देर में हम भी प्रैक्टिस करेंगे इनके साथ, लेकिन क्योंकि ये बच्चे हैं तो ये अभी हमारे लेवल पे नहीं आए, तो इसलिए इनके साथ क्रिकेट खेलना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इनको बॉल लग सकती है। ये लाहौर के क्लब के जो ऑनर हैं उनके बेटे हैं। तो इनका भी हमारी लीग से पहले इनका एक टूर्नामेंट आ रहा है। तो ज़रियाब कैसी तैयारियाँ आपकी टीम की? अभी तक तो लगता है कि 70% चांसेस हैं। किस चीज़ के जीतने के? तो यार इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को क्यों बुलाया, हमारी टीम को बुलवा लेते। हाँ ना, तो हर तरफ से था। कौन कौन सी टीम आ रही है? अच्छा बाहुलपुर, बाहुलपुर। अच्छा तो जनाब ये टीमें इन्होंने बुलवाई हैं, हमारी टीम को नहीं बुलवाया, हमारी टीम है उकाड़ा। तो पता नहीं क्यों हमारी टीम को बुलाते ही नहीं है, ना इन्होंने बुलाया ना इस्लामाबाद ने बुलाया। पिछले दिनों में टूर्नामेंट हुआ था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने भी नहीं बुलवाया। तो जनाब ये है बात, आपको दिखाते हैं, मैं भी इनके साथ प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन क्योंकि ये अभी स्कूल के बच्चे हैं इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाते, अभी इनकी बेस बन रही है, तो इनको बॉल ना लग जाए इसलिए मैं इनके साथ नहीं खेलूँगा। लेकिन ये बंदा जो है ये बड़ा मल्टी टैलेंटेड है, ये अपनी क्रिकेट भी खेलता है नॉर्मल क्रिकेट और हमारे साथ भी खेल लेता है, तो ये मुझे प्रैक्टिस करवाएगा। तो चलें जी करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जी तो गाइस वर्कआउट हो गया, डन, वार्म अप हो गया। द मैन, द लेजेंड। तो अभी हम चलते हैं पिच की तरफ, बच्चे बस खेल रहे हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। Hey!
जी तो गाइज़ आपने देखा कि बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की और वर्कआउट भी किया। कंप्लीट वीडियो ज़्यादा वर्कआउट की तो नहीं बना सका, लेकिन थोड़ा शॉर्ट्स डाली हैं। तो गाइज़ यही मेरा स्कूल था जहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट का स्टार्ट किया था और अपनी स्टडी का भी स्टार्ट किया था। तो ये ब्लाइंड क्रिकेट है, ये तो थी स्कूल की क्रिकेट। बच्चे जो बाकी सारे मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे वो स्कूल के बच्चे थे। इस बंदे ने मेरी बड़ी हेल्प की है द मैन द लेजेंड प्रैक्टिस करने में, पूरा सेशन में, बॉलिंग में, बैटिंग में इसने बड़ी हेल्प किया। थैंक यू सो मच रियाब। और जनाब जो दोस्त देखते हैं वीडियोस, जो लाइक करते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और काइंडली आप जो दोस्त नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।